मैं बहुत खुश हूँ इंडस्ट्री में 38 ईयर्स के बाद अवार्ड मिल रहा है, और जो जो मेरा काम किया मैंने, जो प्रहार जिगर और इंटरनेशनल फिल्म्स में, मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएटर या यू नो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट टुडे एवरीबडी इज़ एन इन्फ्लुएंसर. एनीबडी हु इज एबल टू कनेक्ट टू पीपल एंड रीच आउट इन सम ऑफ द अदर वे इज़ अ इन्फ्लुएंसर. सो आई जस्ट वांट टू से अ ह्यूज थैंक यू टू FFAN फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज गोना गेट एन अवार्ड. और माय सेल्फ बख्शी हरेनी, आई एम एक्टर प्रोड्यूसर, एंड आज के इस अवार्ड शो में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और आज मुझे गेस्ट करके बुलाया है और अवार्ड ही करके बुलाया है. एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश महेश्वरी, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल लीडर BJP. आज मुंबई की महानगरी मैं मुझे आने का सौभाग्य हुआ है. राजू जी एज ए मुझे इनवाइट चीफ गेस्ट के द्वारा इस इवेंट में मुझे बुलाया गया है, और यहाँ के जितने भी कलाकार हैं. हेलो, मैं हूँ राजू टाक, मैं हूँ वसराल परफॉर्मर. FFAN को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इनवाइट करके मुझे आज अवार्ड ही बनाया है. खास करके कुमार जी और दीपा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच मीडिया. पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी FFAN अवार्ड्स को एंड कुमार जी को, एंड ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए क्योंकि सारे एक्टर्स को हमेशा मोटिवेशन मिलता है. बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन जब अच्छे अवार्ड मिलते हैं और आपका काम रिकग्नाइज होता है तो बड़ा अच्छा लगता है. सो बड़ी खुशी की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, ये बड़ा ऑनर है, बड़ा सम्मान है, मान है. ये जो प्यार मोहब्बत आशीर्वाद एक बार फिर से मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ FFAN और कुमार गौतम को और पूरी टीम को. एंड छोटी जगह से निकल के आया हमारा छोटा भाई कुमार, उसने आके मुंबई में झंडे गाड़ दिए, हमारा राजस्थान का कोटा का नाम रोशन किया है. और मैं इसके लिए दुआ करूँगा कि ऐसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े. आई एम ब्लेसिंग यू, और खूब तरक्की करो. और यहाँ आई हुई सेलिब्रिटी से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया आपको देख रही है और दुनिया आपसे सीखती है, और आपको देखकर ही, आपको फॉलो करके ही अपने नए जीवन की शुरुआत करती है. काम करते जाइए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए. रिजल्ट आप लोग देंगे, ऑडियंस देगी, अभी तक देती रही है. ऑडियंस की वजह से ही चल रहा हूँ. लोग पसंद करते हैं काम, इसलिए इस 75 की उम्र में भी काम मिल रहा है. और इत्तेफाक है कि वो वागले की दुनिया फिर से चालू हो गया है 2 साल से. इसके अलावा फिल्में कर रहा हूँ, जैसे मेघना गुलजार की और 2-3 और फिल्में हैं जो 1 दिसंबर को रिलीज होगी. आप सबको बहुत बहुत बधाई हो ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करने वालों की तरफ से. मतलब मुझे कुमार गौरा और दीपा सेठ जी की तरफ मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा उनको. एक बहुत बढ़िया अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो, और भगवान इसके बाद वो जैसे आईफा. जी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और क्योंकि अभी तक जो मेरी 9 ईयर्स की करियर में मुझे एक वर्सिटाइल एक्ट्रेस के लिए मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, नॉमिनेट किया गया है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन. एंड नथ, अभी जो मेरा शो चल रहा है दंगल TV में, बहुत ही कम दिनों में, कम समय पे लोगों को एज यूजुअल, मतलब जितना मुझे प्यार पहले भी मिला है, बहुत ज़्यादा प्यार एज गोपाला मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू दंगल TV एंड स्टोरी स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस. थैंक यू. अमेरिका से आई हूँ. अमेरिका से, सॉरी. कहना चाहूँगी आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और मैं पूरी तहे दिल से चाहती हूँ कि आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो, हर साल आपका बढ़ता जाए ये अवार्ड नाइट. टू बी हियर, थैंक यू हिमांशु जी टू इनवाइट मी आउट हियर. FFAN का जो अवार्ड ऑर्गेनाइज किया कुमार जी ने, उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्लीन सिंह एंड एज एन, आई एम एन एक्टर एंड अ डबिंग आर्टिस्ट. सो आज कुमार सर ने एज एन इन्वाइट किया है एज अ बेस्ट चाइल्ड एक्टर. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच टू सर. एंड हेलो, नमस्ते आप सबको, गुड इवनिंग. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ FFAN अवार्ड्स के लिए, जो कुमार गौतम जी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हमारी फ्रेंड रेखा राव जी कर रहे हैं.
नमस्कार, बहुत बढ़िया, FFN AN मुंबई अवार्ड के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, हेमा जी के नाम पर है तो मुझे लगता है ये काफ़ी धर्म का काम है, पुण्य का काम है। अरे एन नाइट्स फिल्म फ्रेटर्निटी अवार्ड नाइट, मिस्टर कुमार गौतम जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस गैदरिंग और मुझे बड़ी खुशी है कि एक फिल्म फ्रेटर्निटी अवार्ड नाइट के अंदर लोग जोश व खरोश के साथ यहाँ आए हैं। एंड ऑफ कोर्स आई कैन से दिस मच ओनली कि आज जिनको अवार्ड मिलेगा बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको अवार्ड नहीं मिलेगा वी विश देम ऑल द बेस्ट। सो अब तो मैं देवी अपने भाई लोगों ही रहा हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे बड़ा अवार्ड तो हमारे लिए ये है कि हम फोटोग्राफी करते हैं और फोटोग्राफी ने हमको बहुत बड़ा अवार्ड दिया है कि दुनिया से। यार अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है और यहाँ पे नॉमिनेट भी है और अवार्ड भी मिल रहा है और क्या है ना, फिल्में मिलना नाम के एक साल के बाद पहनी है उसको, आज वो बहुत ही ज़्यादा दिल से खुश है कि मैम ने फाइनली ये साड़ी पहन ली। जून 2022 में आई थी और आज मैंने पहन ली ये साड़ी एंड वेरी एक्साइटेड, अवार्ड मिल रहा है, मेरा घर अल्लाह का शुक्र है अवार्ड से भरा तो है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ये मेरा पहला अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे कल ही पता चला कि मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ और मुझे रिसीव करना है ये अवार्ड, तो बस शूटिंग ख़त्म की है और यहाँ पे आई हूँ तैयार होके। थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड किसी भी एक्टर को किसी भी तरीके से अगर सराहा जाता है तो उसको बहुत खुशी होती है और जब आप उसको किसी रिवॉर्ड या अवार्ड देते हैं तो डेफिनेटली उसको और अच्छा काम करने की का वो मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। चार लुगाई बहुत बहुत खुश हूँ मैं और अच्छा लगता है जब आपको इनवाइट किया जाता है और अवार्ड दिया जाता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो दैट्स ऑल। और कुमार सर ने इनवाइट किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसे ही अवार्ड कुमार सर ऑर्गेनाइज करते रहे, हम आते रहे सब सेलिब्रिटी। अच्छा लगता है कि बैक टू बैक अवार्ड्स मिलते हैं, मतलब लाइक एक प्राउड वाला फील होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ FFAF करके। ये बोलना चाहूँगी, परमात्मा का शुक्र करूँगी कि लोग हमें रिकग्नाइज कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं कि आज बेस्ट जोड़ी डांडिया और बॉलीवुड दोनों दे रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो तो आप लोगों को सबको पता है, कुमार गौतम जी के लिए सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि वो और अच्छे अवार्ड करें और बड़े लेवल पे अवार्ड करें ताकि हम लोग को आने का मौका मिले। FFAN अवार्ड के लिए जो जिन्होंने मुझे दिया है सुदर्शन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए अवार्ड मिलने से हर कलाकार को जोश और मौज मिलती है, वरना आज के ज़माने में जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है। मुझे बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि ये अवार्ड मिल रहा है, ऑनर मिल रहा है मुझे, सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम जस्ट हैप्पी ग्रेटफुल। इतनी अवार्ड में आज यहाँ मेरा प्रेजेंस है, कुमार गौतम जी और दीपिका जी का जो ये शो है, लास्ट टाइम भी मैं आया था, एवरी डे एवरी टाइम इट इज़ इम्प्रूविंग एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। पहले तो मैं आप सभी को गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और कुमार गौतम जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है फिल्म फ्रेटर्निटी अवार्ड, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने टाइम के बाद भी मुझे याद किया यहाँ पे और मुझे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल रहा है आज। और मेन होता है कि आप जब भी काम करते रहते हो आपकी पीठ कोई ना कोई थपथपाने वाला चाहिए, तो थैंक यू सो मच कि मुझे बुलाया और पीठ थपथपा रहे हो अवार्ड के जरिए, तो दिल से शुक्रिया। कहते
कहते ना फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल, तो ये वो पहली अवार्ड रिसीविंग की फीलिंग थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए यादगार है आगे के टाइम के लिए भी, आगे जितना भी बढ़ूँ लेकिन जो पहली चीज़ होती है वो तो सबसे ज़्यादा खास होती है। आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत धन्यवाद मेरे फैंस और सबको और FFAN अवार्ड्स को, फिल्म फैटिनरी अवार्ड्स को, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, दिस वाज वेरी वंडरफुल नाइट एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अवार्ड। मेरे हार्ड वर्क की वजह से मुझे अभी तक कितना हाल चाल सारा दा ते अज कुमार गौतम जी ने अवार्ड किया सी फैन अवार्ड, बहुत वधिया अवार्ड सी ते सानू विच गाउण दा मौका मिलिया ते मेरी टीम सी जिहदे विच शुभी ठाकुर ते मेरा क्या बात होता है, मतलब कितना भी आप काम करें कितना भी आप आगे बढ़ें और साथ साथ अवार्ड भी मिले सम्मान मिले तो उसका आनंद बहुत है। मैं फिल्म फैटर्निटी अवार्ड की फुल लड़खड़ा रहा हूँ, अच्छा फिल्म कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं थे दिल छोड़ आया।